दोस्तों, जानवरों की दुनिया हम इंसानों से बहुत अलग है। एनिमल किंगडम में किसी भी जानवर की ताकत का अंदाजा उसकी जिसामत या कद काठ से नहीं, बल्कि उसके डिफेंस मैकेनिज्म से लगाया जाता है। जिस तरह बगैर हाथ पैर वाले सांप का जहर हाथी जैसे बड़े और ताकतवर जानवर को मौत के घाट उतार देता है, ठीक उसी तरह एनिमल किंगडम में एक और जानवर ऐसा भी मौजूद है जो कि दिखने में बहुत मासूम सा लगता है, लेकिन उसके आसपास भटकने तक से बड़े बड़े शिकारी जानवरों की रूह कांप जाती है। और वो जानवर कोई और नहीं बल्कि पोर्कोपाइन है, जिसे हम सेल या साही भी कहते हैं। दोस्तों, पोर्कोपाइन को जब किसी जानवर से खतरा महसूस होता है तो ये अपने जिस्म पर लगे कांटों का रुख ऊपर की तरफ कर लेती है। ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर जानवर ये सोचते हैं कि पोर्कोपाइन को पहले पुरसकून होने देते हैं और फिर इस पर हमला करके इसे दबोच लेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि जब ये जानवर पुरसकून होता है तब ये और भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। तो दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम आपको मासूम से दिखने वाले इस जानवर के कुछ ऐसे वाकयात दिखाने जा रहे हैं जिसमें शिकारी जानवरों ने पोर्कोपाइन का शिकार करने की कोशिश की तो उन्हें खौफनाक दर्द का सामना करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्नेक्स। दोस्तों, साल 2015 के दौरान साउथ अफ्रीका की एक गेम रिजर्व पार्क में कुछ गार्ड्स ने एक बड़ा पाइथन स्नेक देखा जो कि किसी जानवर को अपने अंदर निगल कर जमीन पर पड़ा हुआ था। पहली नजर देखने पर इन गार्ड्स के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस सांप ने किस जानवर को अपने अंदर निगल कर जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर ली है। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद इन गार्ड्स को ये सांप मरा हुआ मिला तो इन्होंने इसका पेट काट कर देखा तो इन्हें अंदर से एक पोर्कोपाइन मिली जो कि तकरीबन 20 किलो की थी। दोस्तों, स्नेक एक्सपर्ट्स के मुताबिक सांपों को पोर्कोपाइन को निगलने से होने वाले खतरे का अंदाजा पहले से ही पता होता है, लेकिन फिर भी अपना पेट भरने के लिए सांपों को मजबूरन ये रिस्क उठाना पड़ता है। और जब सांप किसी पोर्कोपाइन को अपने अंदर निगलते हैं तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम पोर्कोपाइन के कांटों को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिसके चलते ये कांटे अंदर से इनके जिस्म को काट देते हैं और इनकी मौत वाकया हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा बहुत से सांप ऐसे हैं जो अपने जानलेवा जहर की वजह से जाने जाते हैं। इनका एक बूंद जहर भी किसी की जान लेने के लिए काफी होता है। अलबत्ता कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिन पर सांपों का जहर असर नहीं करता और हेजहॉग उनमें से एक है। हेजहॉग पोर्कोपाइन ही की एक किस्म है जिसके जिस्म पर छोटे मगर सख्त और नुकीले कांटे मौजूद होते हैं जो कि किसी भी शिकारी जानवर को छलनी करने में इनके काम आते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप देखें कि एक जहरीला सांप हेजहॉग को मासूम और आसान शिकार समझकर उसे डसने की कोशिश कर रहा है ताकि हेजहॉग इसके जहर से मर जाए, लेकिन इस बेचारे सांप को उल्टा लेने के देने पड़ जाते हैं क्योंकि जूं ही ये हेजहॉग को काटने की कोशिश करता है तो उसके कांटे सांप के मुंह में चुभ जाते हैं जिससे इसे खौफनाक दर्द का झटका लगता है और इसी के साथ ये सांप यहाँ से बच निकलने में ही अपनी भलाई समझता है। दोस्तों, हेजहॉग को देखकर आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि शायद ये जानवर दरख्तों पर लगे फल और पत्ते वगैरह ही खाता होगा, लेकिन इन वीडियोस में आप देखेंगे जब एक हेजहॉग खाने की तलाश में भटक रहा था तो अचानक इसका सामना एक जहरीले सांप के साथ हो जाता है जो इसे देखकर इस पर हमला करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जब भी सांप हेजहॉग पर हमला करता है तो ये चालाक जानवर अपने कांटे उसके आगे कर देता है जिससे इस बेचारे सांप को हर बार दर्द का सामना करना पड़ता है और ऐसे ही आखिर पर ये हेजहॉग उल्टा सांप को ही दबोच लेता है और उसे खाकर अपना पेट भरता है। दोस्तों, इसी तरह आप इस वीडियो में एक बोआ कंस्ट्रिक्टर सांप को पोर्कोपाइन पर हमला करने के बाद दर्द से जूझते हुए देखें, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि बोआ कंस्ट्रिक्टर सांप पाइथन स्नेक की तरह का ही एक सांप है और इसके अंदर भी जहर नहीं होता, मगर ये अपने शिकार को जिंदा ही निगल जाता है। और जब इसने एक पोर्कोपाइन को निगलने की कोशिश की तो उसके कांटों ने इस सांप के सारे जिस्म को छलनी कर दिया जिसके बाद अब ये बेचारा दर्द से रहा है। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि एक पोर्कोपाइन के जिस्म पर तकरीबन 30,000 कांटे मौजूद होते हैं जो ये सामने वाले जानवर के अंदर घुसा देती है और इसी के चलते कुछ जानवरों की मौत भी वाकया हो जाती है। नंबर 2, डॉग्स।
दोस्तों सांपों के बाद अब बारी आती है कुत्तों की, जो कि अक्सर ही पोर्कोपाइन को आसान शिकार समझकर उस पर हमला कर देते हैं और खुद को उसके कांटों से छलनी करवा लेते हैं, जिसके बाद इन्हें डॉक्टर की जरूरत पड़ती है जो इन्हें बेहोश करके पोर्कोपाइन के कांटे इनके जिस्म से बाहर निकालता है। दोस्तों इस वीडियो में देखें कि एक पिटबुल नस्ल का कुत्ता कीचड़ में फंसी एक पोर्कोपाइन को लाचार समझकर उसका शिकार करने पहुंच जाता है, और जब पोर्कोपाइन इस कुत्ते के जिस्म पर जगह जगह अपने कांटे छोड़ देती है, तब कहीं जाकर इसे समझ आता है कि पोर्कोपाइन के साथ पंगा लेना मौत को दावत देने के बराबर है। खैर काफी देर तक ये लड़ाई चलने के बाद भी जब पोर्कोपाइन कुत्ते के हाथ नहीं आती तो ये कुत्ता हार मान लेता है और कांटे चुभने के बायस शदीद दर्द का मजा चखता है। दोस्तों ठीक इसी तरह इस वीडियो में भी आप देखें, जिसमें एक लड़की ये बता रही है कि उसका कुत्ता जाने अनजाने में एक पोर्कोपाइन पर हमला कर बैठा, जिसके बाद इसका सारा मुंह अब पोर्कोपाइन के खतरनाक कांटों से भर चुका है, यहाँ तक कि ये कांटे कुत्ते के मुंह के अंदर भी चले जाते हैं, जिसके बाद ये लड़की अपने कुत्ते को बेहोश करके उसे पोर्कोपाइन के कांटों से निजात दिला रही है। नंबर 3, हनी बैजर। दोस्तों कुत्तों के बाद अब बारी आती है हनी बैजर की। अगर आप इस बेखौफ शिकारी को जानते हैं तो यकीनन आपको इसके बारे में ये भी पता होगा कि जंगल में जानवर हनी बैजर को दूर से ही देखकर डर जाते हैं और ये सोचकर छुप जाते हैं कि कहीं हनी बैजर की नजर उन पर ना पड़ जाए। लेकिन दोस्तों इस वीडियो क्लिप में देखें कि जब इस नडर शिकारी ने जाने अनजाने में रात को अंधेरे के दौरान एक पोर्कोपाइन का शिकार करने का फैसला किया तो ये हजार कोशिशों के बाद भी उस पर काबू नहीं पा सका। कुछ इसी तरह आप यहाँ पर भी देखें कि जब दिन की रोशनी में इन दोनों का आमना सामना हुआ तो फिर भी ये पोर्कोपाइन हनी बैजर के हाथ नहीं लगी और हनी बैजर को यहाँ से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। नंबर 4, बिग कैट्स। दोस्तों सबसे आखिर पर बड़ी बिल्लियों की बारी है, जिनमें शेर, तेंदुए और चीते वगैरह शामिल हैं। वैसे तो आमतौर पर ये खूनख्वार शिकारी पोर्कोपाइन के आसपास भी नहीं भटकते, लेकिन सूखे इलाकों में रहने वाली बड़ी बिल्लियां बाज़ोकात शिकार ना मिलने की वजह से पोर्कोपाइन को अपना निवाला बनाने का फैसला करती हैं और इस काम में इन्हें बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ता है और कभी कभार तो इन शिकारियों की मौत भी वाकई हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड, जिसमें हमने देखा कि जब शिकारी जानवर मासूम सी दिखने वाली पोर्कोपाइन को अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं तो इन्हें किस खौफनाक दर्द से गुजरना पड़ता है। उम्मीद है इस एपिसोड में आपको कुछ नया देखने और जानने को मिला होगा। तो मजीद ऐसी एपिसोड्स हर रोज देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।